गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। आज हम लोग चैप्टर 3 के एक्सरसाइज नंबर 6 एडिशन के बारे में अध्ययन करेंगे। एडिशन में पहला क्वेश्चन अपना एक्सरसाइज 6 का है, एड द फॉलोइंग 3806 को एड कर दिया 3948 के साथ, तो क्या होंगे। इस तरह से हमें वंस पहले से यानी राइट साइड से ऐड करना शुरू करेंगे। 8 और 6 और 8 मिलके क्या होंगे, 14 का 4 कैरी 1 ऊपर लिख देंगे ताकि हम भूले रहें। 404 और कैरी का 1 मिलके हो गया 5, यहाँ पर अपना कोई कैरी नहीं है। 9 और 8 17 का 7 कैरी 1, 3 3 6 और 1 7, तो इस तरह से अपना ऐड करके आंसर हुआ 7754। नेक्स्ट ऐड की तरह बढ़ते हैं, 9 और 7 मिलकर क्या हो गया 16 का 6 कैरी 1, 7 7 14 और 1, 15 का 5 कैरी 1, 6 और 5 11 कैरी का 1, 12 का 2 कैरी 1, 4 2 6 और 1 7, क्या हुए 7256। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम एज क्वेश्चन 1 के बाकी क्वेश्चन को सेम एज इसी तरह सॉल्यूशन आप लोगों को कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द सम 3564 प्लस 2183 प्लस 1833। इसको इस तरह से हम कॉलम में अरेंज करेंगे, पहले नंबर को लिख देंगे फिर दूसरे नंबर को वंस पैलेस की तरफ से 3812, फिर तीसरे नंबर को 3381 वंस पैलेस के सामने से मिलाकर लिखेंगे, उसके बाद इनको ऐड करेंगे कि 4 और 3 7 7 और 3 10 10 का 0 कैरी 1, 3 और 8 11 11 6 17 और 1 18 का 8 कैरी 1, 8 और 1 9 9 और 5 14 14 और 1 15 का 5 कैरी 1, 1 और 2 3 3 3 6 और 1 7, इस तरह से 7580। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का बी नंबर, जिसको इस तरह से फिर अरेंज करेंगे, पहला नंबर 1645, दूसरे नंबर को इधर राइट साइड से वंस पैलेस से 4 3 8 2 अरेंज करेंगे, उसके बाद 364 को भी वंस पैलेस के तरफ से अरेंज करेंगे 4 6 3, अगर इधर से अरेंज करेंगे सारी आपकी सॉल्यूशन गलत हो जाएगी, तो कहाँ राइट साइड से अरेंज करना है, उसके बाद ऐड करना है 5 4 9 9 और 4 13 का 3 कैरी 1, 4 3 7 7 और 6 13 और कैरी का 1, 14 का 4 कैरी 1, 8 3 13 और 6 19, 19 और 1 20 का 0 कैरी 2, 2 1 3 3 2 5, 5043, इस तरह इसके सॉल्यूशन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज इन कॉलम एंड ऐड, सेम है ऊपर के क्वेश्चन नंबर 2 की तरह इसको भी अरेंज करना है और इसको ऐड कर लेना है। अपना पहला नंबर है 7964, उसके बाद 827 को राइट साइड से हम अरेंज करेंगे 7 2 8, फिर 631 को भी राइट साइड से अरेंज करेंगे 1 3 6, लेफ्ट साइड से कभी भी अरेंज नहीं करेंगे नहीं तो सारी सॉल्यूशन गलत हो जाएगी। अब इसको ऐड कर लेंगे 4 7 11 11 और 1 12 का 2 कैरी 1, 6 2 8 8 और 3 11 11 और कैरी का 1 12 का 2 कैरी 1, 9 8 17 17 और 6 23 23 में 1 ऐड करेंगे तो 24 का 4 कैरी 2, इधर कोई नंबर नहीं है यहाँ पर सिर्फ 7 है और उसमें कैरी 2 ऐड कर लेंगे 9 9422। एक क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें फिलिंग दी ब्लैंक्स है ऐड दिए हुए हैं, जिसका एडिशन किया हुआ है उसके कुछ नंबर छूटे हुए हैं उसको फिल कर रहा है। जैसे
यहाँ पर वन दिया हुआ ऊपर थ्री है, इस बॉक्स में क्या भरेंगे कि ऐड करने पर वन हो। तो यहाँ पर हम पा रहे हैं कि अगर 11 लिखेंगे तो अगर नंबर आएंगे ऐड करके तो 11 का वन होगा और कैरी अपना वन होगा, यानी कि थ्री में एट ऐड करेंगे, थ्री में एट ऐड करेंगे तो 11 होगा और 11 का वन और कैरी वन होगा। अब अगले बॉक्स में क्या भरेंगे तो यहाँ पर सिक्स है और यह कैरी का वन मिलाकर 7 हो जाते हैं। अब हमको यहाँ पर 2 लाना है तो 7 में अगर 5 ऐड कर देंगे तो 12 होगा, 12 तो 12 का 2 हो जाएगा अपना और कैरी 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर अपना नंबर जो होगा वह 5 होगा। नेक्स्ट नंबर में यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके एडिशन के सामने क्या आएंगे 0, इसके एडिशन के सामने 0 आएंगे तो अपने कैरी का 1 और नंबर 4 मिलकर 5 हुए। अगर बॉक्स में 5 बनेंगे तो 5 5 10 हो जाएंगे, तो 10 का 0 होगा और कैरी अपना 1 हो जाएगा और बाकी इस बॉक्स में क्या बनेंगे 6 और 1 7 होंगे, 7 में अगर 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर अपना 9 होगा। तो इस बैलेंस में क्या बने जाएंगे 9। सेम आज इसी तरह यह पिक्चर है कि हमें 9 के साथ क्या ऐड करें कि 6 आएगा, तो 9 के साथ अगर हम 7 ऐड करते हैं तो 16 होंगे और यह 16 का 6 होगा और कैरी 1 होगा। उसके बाद है कि 8 और 1 9 हो जाएंगे, 9 में क्या ऐड करें कि 6 होगा। तो 9 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो 16 होंगे और 16 का यह 6 होगा और कैरी 1 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 1 यहाँ पर होना चाहिए तो 3 और 1 मिलकर 4 होते हैं, 4 में क्या ऐड करें कि नीचे हमें 1 आए, तो उसके लिए हम 4 में अगर 7 ऐड कर देंगे तो 11 हो जाएंगे, 11 का 1 हो जाएगा कैरी 1 हो जाएगा। अब क्या हो गया 5 और 2 7 और 1 8, इस तरह से 8 फिल हो गया, सभी में फिल हो गए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सी कर लेना है। नेक्स्ट कल अगले वीडियो में हम एडिशन के प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे।